राजगढ़ जिले की जीरापुर पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक कीमत लगभग 20 लाख को जब्त कर एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, मुखबिर की सूचना पर जीरापुर एसआई मंगल सिंह राठौर ने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बैठे दो आरोपियों का पीछा करते हुए खिलचीपुर के मांडाखेड़ा जोड़ पर आरोपी का वाहन रोका तो मोटरसाइकिल चालक पटक कर भागने लगा। पीछे बैठा एक अन्य आरोपी वही मौके पर गिर गया। भागते भागते देसी कट्टा निकाल कर पुलिस की ओर तान दिया। पुलिस ने अपने बचाव में एक राउंड हवाई फायर किया, किंतु दो आरोपी में से एक आरोपी झाड़ियों का सहारा लेकर भागने में सफल रहा। वहीं दूसरे आरोपियों को पकड़ने में जीरापुर पुलिस को सफलता मिली है। पकड़े गए आरोपी पप्पू तवर उम्र 20 निवासी बोरदा की तलाशी के दौरान 200 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत लगभग 20 लाख और एक मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस पर धारा 821 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। वही भागने वाले आरोपी बिरम सिंह 40 निवासी बोरदा श्री गांव के रहने वाले हैं। आरोपी की तलाश की जा रही है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित है कि पुलिस मुख्यालय हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक बहुदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध पूरे स्टेट में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पिछले 3 महीने में हमें लगातार सफलता प्राप्त हुई है। इसी क्रम में कल जीरापुर पुलिस को फिर से एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें मुखबिर सूचना पर इन्होंने दो लोगों को इनको सूचना प्राप्त थी कि ये भोजपुर के बोरदा श्री गांव के रहने वाले दो लोग हैं जो एक काले रंग की मोटरसाइकिल से 200 ग्राम स्मैक इनसे पकड़ी गई है, स्मैक डिलीवर करने आ रहे हैं। इस मुखबिर सूचना पर जो PSI हैं हमारे मंगल सिंह राठौर, उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अपनी टीम बनाई गई थी, उसको लगातार कई जगह पर हम लोगों ने स्टेशन किया था कि हम इनको पकड़ सकें। इसी बीच जैसे ही इन दोनों आरोपियों को भनक लगी तो इन्होंने भगाना अपनी गाड़ी भगाना शुरू किया, ये काली रंग की मोटरसाइकिल। पुलिस लगातार इनका पीछा करती रही और पीछा करते करते ये जो बाईपास है वहाँ पर मांडाखेड़ा जोड़ के पास इनको बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने रोका। इसी दौरान जब इन दोनों को रोका गया तो इसमें से एक को पुलिस को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसने अपना नाम पप्पू, पिता गंगाराम तवर, उम्र करीब 20 साल, बोरदा श्री, थाना भोजपुर का रहना बताया है। इसमें एक आरोपी जिसके पास एक फायर आर्म्स था वो भागने में सफल रहा है, क्योंकि हमने इसको पकड़ा। दूसरा आदमी जो था झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग गया। जब ये पप्पू से पता उसका पूछा गया तो उसका नाम बीरम, पिता वांगीलाल तवर है, ये करीबन 40 साल का है और ये भी बोरदा श्री, थाना भोजपुर का रहने वाला है। इसमें पप्पू के पास से करीबन 200 ग्राम स्मैक जब्त किया गया है, जिसकी बाजार मूल्य 20 लाख रुपए है, और जो मोटरसाइकिल इससे जब्त की गई है MP39 MM7326। इसका जब हमने रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह निकाला तो ये मोटरसाइकिल जो एक आरोपी हमसे फरार हुआ है बीरम, उसकी होना पाया गया है, जिसको भी इसमें सह अपराधी बनाया गया है। इस मामले में 200 ग्राम स्मैक के अलावा ये जो काले रंग की मोटरसाइकिल है बीरम की, इसको भी हमने जब्त किया है। बीरम और पप्पू के पूछने पर इसमें और भी बहुत सारे नामों का खुलासा होने की संभावना है। पप्पू से जो हमने प्रथम दृष्टया पूछताछ करी है उसमें ये मामला निकल के आया है कि ये खिलचीपुर में एरिया में इसका माल को सप्लाई करना चाहते थे और ये झालावाड़ के घाटोली गांव से ये वहां से इसको लेकर आए हैं, बट एग्जैक्ट डिटेल्स हमें उम्मीद है कि हम बीरम को पकड़ने के बाद ही इसमें कर पाएंगे। बीरम की गिरफ्तारी के लिए पृथक से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और इसको जो हमारी टीम रही है, थाना प्रभारी जीरापुर उमेश यादव, उप निरीक्षक मंगल सिंह राठौर, रमेश चंद, सागर कुमार, रविंद्र, अनिल, रूप सिंह, महेंद्र और सोनू जाट, इनको मेरी तरफ से 10,000 रुपये पृथक से इनाम देने की घोषणा की जाती है। इसी दौरान क्योंकि इसके पास एक फायर आर्म था तो पुलिस को अपने बचाव में समुचित उसको मौका देने के बाद एक हवाई फायर करने की जरूरत पड़ी है, वो उसका भी हमने कारतूस जब्त किया है। इसमें बीरम के पकड़े जाने के बाद उससे हम बाकी की जब्ती की कार्रवाई करेंगे। ठीक।